हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो है कि सीटेट के लिए लगातार ये क्लास हमारा चल रहा है, जिसमें कल मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन, जिसको बोला जाए एकदम एग्ज़ाम की लेवल क्वेश्चन, कल मैंने करवाया था 30 क्वेश्चन था जिसमें हमने 29 क्वेश्चन बस करवाया, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, ठंडा लग रहा था इसलिए घर भी जाना था, तो मैं 29 क्वेश्चन कल आपको करवाया था। सारे क्वेश्चन ऐसे थे आपको कि मतलब जैसे लग रहा था कि आप एग्ज़ाम हॉल वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगर टफ क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको बनेगा। तो उसी तरह आज हम क्या करेंगे, मेरे पास मैथ का भी क्वेश्चन है, लेकिन मैथ का मैं कल आपको दे दूंगा बना के। आज जो मैं EVS करा दे रहा हूँ, क्योंकि आज भी वही मौसम काफ़ी ठंडा है, तो आप देख ही रहे हैं, तो शाम के लगभग काफ़ी टाइम हो रहा है, तो आज हम जो क्या है EVS देखेंगे। कितना देखेंगे भैया? EVS देखेंगे। तो EVS का जो ये 30 क्वेश्चन है ये भी एकदम एग्ज़ाम के लेवल क्वेश्चन है, मतलब आपको लगेगा कि नहीं क्या एग्ज़ाम में आप बैठे हुए हैं एकदम। समझ लिए कि अगर आपको जो 30-30 क्वेश्चन में करा रहा हूँ ना, 30 में अगर भैया अगर आपका जो है 25 मतलब 2200 सही हो जा रहा है, समझिए बहुत है आपका। 30 में 22 भी सही हो जा रहा है तो आपका बहुत सही हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन लेवल वाले हैं, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे वाले, क्वालिटी वाले क्वेश्चन आपके, ठीक है। शिक्षण भी एकदम तह तक, एकदम गहराई से शिक्षण पूछा गया, सारे क्वेश्चन सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। मैं एक भी क्वेश्चन अपने से बनाया नहीं हूँ, कल मैं बताया था, मैं डेली बताऊंगा नहीं कि ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते भैया, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और आप जो है पेन और कॉपी लेके बैठिए और नंबरिंग कर लीजिए 30 तक। 30 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। कल मैं मापन और मूल्यांकन बहुत बेहतर तरीके से लिख के समझा दिया था, तो आज अगर मापन और मूल्यांकन क्वेश्चन आएगा तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं, उसको टाइम चला जाता लेंदी। जो एक्स्ट्रा टॉपिक रहेगी, मैंने कल अभिसारी अपसारी सब कुछ बताया था, तो सारे शिक्षण क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, शिक्षण आपके बदलने वाले हैं नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई साहब है ये, आप बताइए इसमें क्या सही होगा। ये कीट के बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कीट के बारे में कह रहा है कि निम्न में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी विशिष्ट भूमिकाएं बटी, मतलब उनको क्या अलग अलग भूमिकाओं में बांटा गया है। आप जरा क्वेश्चन पढ़िए, हम देख लेते हैं क्वालिटी सही आ रही है नहीं, क्योंकि वीडियो शूट करना होता भाई, तो अगर सही दिखेगा नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। सही आ रहा है सर? थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ओफो थोड़ी सी लाइटिंग ज़्यादा है, थोड़ी सी लाइटिंग ज़्यादा लग रही है ना। नहीं नहीं वहाँ भी गड़बड़ है भाई। अच्छा अगले क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है लाइटिंग थोड़ा ज़्यादा है, लाइटिंग देखिए इसमें सही है क्या? इसमें तो सही होना चाहिए ब्राइटनेस, इसमें तो जीरो ब्राइटनेस है, ठीक है, इसमें अगर ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि चेहरा साफ ना है चलेगा, लेकिन साफ दिखाई देना चाहिए बस, ठीक है। ठीक है, अब सही है, कुछ हद तक सही हुआ, अब सही आ रहा, ठीक है, थोड़ा बहुत चेहरा पहचान में आ जाए। चलिए ये क्या कह रहा है कि जो मधुमक्खी चींटियां, क्या कह रहा है भाई? मधुमक्खी और चींटियां, तो आपको अच्छी तरह पता है कि मधुमक्खी तो क्या है समूह में रहती हैं, चींटियां भी क्या होती हैं समूह में रहती हैं, लेकिन मकड़ी क्या है समूह में नहीं रहती, इसलिए कट गया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि देखिए मधुमक्खी भी समूह में होती है, घर में पाई जाने वाली मक्खी, ये मक्खियाँ समूह में नहीं होती हैं, आपको अच्छी तरह पता है। दीमक भी क्या होता है समूह में होता है। अब ये कह रहा है चींटियाँ मच्छर भी कभी क्या आपके समूह में नहीं रहते हैं। ये क्या मकड़ी भी क्या आपके समूह में नहीं होती, हमने वहाँ खाता, तो अब क्या दीमक ततैया और चींटियाँ ये सब क्या होती हैं समूह में होती हैं, ये जो सब क्या होते हैं आपके समूह में होते हैं। और देखिए भैया चींटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा मधुमक्खी के बारे में बात कर लेते हैं, मधुमक्खी आ गया, चींटी आ गया और दीमक ततैया आ गया, तो ये आपके जो है कि ग्रुप में होते हैं सब, मधुमक्खी भी आगे किस में होती है ग्रुप में रहती है, हम कह सकते हैं। अब थोड़ा सा इनसे बात बननी है तो मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, बस परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा बस, अब बोलना नहीं चाहते भाई साहब, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन आ जाता तो दिमाग घूम जाता थोड़ा सा, देख लीजिए थोड़ा सा क्या कह रहे हैं हम। अभी हमने किसकी बात की? नो में चलते हैं। ये था मधुमक्खी, क्या था? मधुमक्खी, क्या था? मधुमक्खी की बात थी। और क्या था? मच्छर की बात थी। किसकी बात थी? मच्छर की बात थी। और वहाँ क्या था? दीमक था। क्या था? दीमक। और क्या था? ततैया। क्या था? ततैया मतलब यहाँ से हटा दिए ततैया, ठीक है। तो मधुमक्खी क्या है? मधुमक्खी कौन पालन करता है? मधुमक्खी पालन होता है बिहार में। मधुमक्खी पालन कहाँ होता है? बिहार में। बिहार में कौन सा गांव? बचाव गांव। कौन सा गांव? बचाव गांव। और लड़कियाँ कौन भैया? अनीता। अनीता लड़की मधुमक्खी पालन करती है कहाँ? बिहार में बचाव गांव। और देखिए
ये मधुमक्खी पालन का अच्छा समय क्या होता है? मधुमक्खी पालन का अच्छा समय क्या होता है? फरवरी के समय यहाँ पे फूल खिलते हैं। कौन से? लीची के फूल। लीची के फूल, लीची के फूल किस समय खिलते भैया? फरवरी में, फरवरी, ठीक है ना। और क्या, अक्टूबर से सितंबर के बीच में क्या होता है इनका? मधुमक्खी पालन का अच्छा समय होता है। मच्छर भैया देखिए, मच्छर, मच्छर रोनाल्ड, रोनाल्ड, रोनाल्ड रॉस, डायरेक्ट बस याद रखिए रॉस क्या है। रोनाल्ड रॉस नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या बताया था कि भैया मच्छर काटने से क्या होता है? मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, और देखिए कैसे म से मच्छर, मच्छर कहाँ काटा? म से मच्छर, तो म से हो जाएगा मेरा, ध्यान से मुझे ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने के लिए। म से मच्छर, ये क्या लिखा है? मच्छर। म से मलेरिया, का भैया मलेरिया, म से मच्छर, मच्छर काटा तो क्या हो गया? मलेरिया, मलेरिया ना, मलेरिया का। अच्छा, म से मच्छर, अब मच्छर काटे कहाँ पे? चमड़ा पे, कोने पर भी, चमड़ा पे, तो जिसका चिकन बुनिया, चिकन बुनिया, चमड़ा पे काटा तो क्या हो गया? चिकन बुनिया। तो भैया मलेरिया और चिकन बुनिया बहुत डेंजरस रोग है, तो डेंजर से क्या हो गया? डेंगू। डेंजर से क्या हो गया? डेंगू। एकदम शॉर्ट ट्रिक, बहुत बढ़िया वाली ट्रिक, इसको याद कर सकते हैं कि मच्छर से, म से मलेरिया, मच्छर काटा चमड़े पर तो हो गया चिकन बुनिया, और चिकन बुनिया बहुत डेंजरस हो तो क्या हो गया? ये डेंगू। तो मच्छर काटने से तीन रोग होने वाले हैं, और इसके बाद जो ना कुल मक्खी में डाल दिया है, हैजा, तपेदी, डायरिया, ये सब किसमें चले जाएंगे? मक्खी से होने वाले रोग हो जाएंगे। मक्खी मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये किसे? मक्खी से हो जाए क्या? हैजा, तपेदी, डायरिया, ये सब मक्खी के वजह से होता है। किसमें? गंदा पानी पीने की वजह से। और देखिए मच्छर के बारे में जान गए, इनको क्या, इनको नोबल पुरस्कार भी मिला था। इसमें क्या है? नोबल पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने बताया भैया कि जो मच्छर होते हैं, ये मादा मच्छर काटने से मलेरिया का रोग होता है, और ये अपना अंडा कहाँ देते हैं? साफ पानी में अंडा देते हैं। इस बात को रखिए, जो ये मच्छर होते हैं ये क्या, साफ पानी में अंडा देते हैं। अगर मच्छरों से क्या करना है, बचाव करना है, तो उसमें किरोसिन का तेल डाला जाता है, जिससे उसका प्रतिस्थापना क्या हो, घट जाए, और मच्छर के लार्वा क्या हो, डूब जाए। एक गैल्विया करके एक मछली आती है, वो क्या करती है, उसको, उसके लार्वा क्या करती है, वो खा जाती है। तो मच्छर के होते हैं, मच्छर गंदा पानी में अंडा नहीं देता है, कहाँ देता है? साफ पानी में देता है। मच्छर से होने वाले ये रोग हैं। अगर आपको क्या हो गया मलेरिया, तो आपने हीमोग्लोबिन की मात्रा, तो जब हीमोग्लोबिन की बात आए, कौन कहे हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन की बात आएगा तो आपको क्या खाना पड़ता है? पालक। क्या खाना है? पालक। और क्या? आंवला। क्या खाना है? पालक खाना है, आंवला खाना है, और कौन भैया? गुड़। पालक, आंवला, गुड़ आयरन की कमी को पूरा करने के लिए खाया जाता है। तो ये मच्छर की पूरी बात। मधुमक्खी कहाँ की जाती है? लीची के फूल कब लुभाते हैं और कब अच्छा पालन होता है, ये हो गया बात आपकी। अब आते हैं फिर कहीं बात आएगी, थोड़ा सा बात और मैं बता दूंगा। थ्योरी आपको पूरा पढ़ाया गया भैया, थोड़ा सा भी अगर आप देख रहे हैं मेरा पहले का वीडियो, तो आपका काम बन जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब आते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका सर कौन सा है, ये है फूलों की पहचान। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई साहब, ये भी है। ये मतलब क्वेश्चन ऐसे ऐसे है ना, शिक्षण देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, कहेंगे क्या गुरु, गजब का आप लेके आए। प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस नहीं भैया, आपके संभावित प्रश्न आने वाले जो एग्जाम में वैसे क्वेश्चन है ये। इसने कहा कि बताओ फूलों की पहचान कीजिए, केवल रात में ही खिलता है। तो रात में खिल, देखिए रात में खिलने वाले फूल हमेशा कैसे होते हैं? सफ़ेद। कैसे होते हैं? सफ़ेद। और कैसे होते हैं? सुगंधित। रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद और सुगंधित होते हैं, और रात में जानवर जो देखते हैं ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, सफ़ेद और काला। जितने भी रात में जानवर देखने वाले होते हैं उनको सफ़ेद और काला दिखाई देता है, जिसमें उल्लू भी आता है, आपका शेर आता है, बाघ आता है, सब क्या देखते हैं? सफ़ेद और क्या देखते हैं? काली इनको दिखाई देती है रात में। उसमें रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद होते हैं और सुगंधित होते हैं, इस बात को आपको समझ में आ गया। औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। औषधि बनाने के काम में किसको लाया जाता है? खेजड़ी, कीकड़, नीम, कीकड़, इन सब के वृक्ष से क्या बनाता है? सिनकोना की छाल। सिनकोना की छाल से क्या बनाता है? इन सब के से दवा बनाया जाता है। नीम, कीकड़, सिनकोना, इनकी छाल से क्या बनाता है आपको? बनाया जाता है कौन सा भैया आपको? बनाया जाता है दवा। रंगाई में काम में लाया जाता है। रंगाई में, रंगाई में मतलब एक प्राकृतिक रंग बनता है, कहाँ पे? जहाँ पे वो चावल वो से लोग बनाते हैं, घोल के रंग बनाते हैं, और क्या करते हैं? त्यौहार में विशेष रूप से, आपको याद आ गया होगा ये बात, वहाँ से जिसमें फूलों के रंग से हम क्या करते हैं? बनाते रहते हैं। पूरे वर्ष भर खिलता है। अब पूरे वर्ष भर खिलता है, कह रहा है ए बी सी और डी क्रमशः हैं, तो बताओ इसमें से कौन है? पहला वाला का मतलब यह केवल रात में ही खिलते हैं। रात में गुलाब खिलता है क्या? नहीं। रात में चमेली खिलता है क्या? नहीं। सदाबहार रात में होता है क्या? नहीं भाई। रात में कौन है? रात की रानी।
अब कह रहा है औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। किसमें काम लिया जाता है? औषधि बनाने में। तो गुड़हल का फूल है यहाँ पे औषधि बनाने में और रंगाई के काम में आता है। तो क्या हो जाएगा? गेंदा पूरे वर्ष भर खिलता है, क्या? गुलाब। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ से आप जान लीजिए गुड़हल का काम होता है क्या? औषधि। ठीक है, और गेंदा का फूल रंगाई काम, गुलाब जो है साल भर खिलता रहता है, ऐसा कोई महीना होना नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा। अब आते हैं अगला, यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। लग रहा था आपको कुछ समझे मिल गया, राहत रानी तो बस केवल रात में ही खिलने वाली फूल है तो यही है। अगर यहाँ पे घटपरड़ी होता तो हम कहते हैं हाँ साथ शायद लीजिए भैया, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, एकदम मन माफिक। ऐसा ही क्वेश्चन भाई आपका दिमाग खुलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपका दिमाग खुलेगा और ऐसा ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा जितना दिन बचा है, ताकि आपको लगे कि नहीं हाँ भैया जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कुछ क्वेश्चन लेवल के हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या भैया पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम देखते हैं। ये कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान पार्क से हम लिए हैं, कह रहा है जिम कार्बेनेट, जिम कार्बेनेट का भी है राजस्थान में, जिम कार्बेनेट राजस्थान में। अब देखा पहला का आई फोर कहाँ लिखल है, पहला का देखा ई लिखल है। ई तो एक ही बार में सॉल्व हो गया, क्या है? जिम कार्बोनेट, काजीरंगा, काजीरंगा और क्या है रणथंबा और गिरी। तो ये हमको कन्फर्म हमको याद है कि जिम कार्बेनेट कहाँ है? राजस्थान में। तो अगर ये राजस्थान में है तो बताइए जिम कार्बेनेट कहाँ भी है? उत्तराखंड के राजस्थान, बताइए सर। अब कह रहा है कि काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ हो जाएगा? ये बी का दे रहा क्या? उत्तराखंड। किसमें सही जा रहे हैं ना भाई, हम गलत नहीं जा रहे हैं, एक बार देख लीजिए सर मेरे हिसाब से तो क्या है सही है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ सी 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 नहीं, सी नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है कि काजीरंगा तो हमको लग रहा है कि उत्तराखंड पाया जाता है, जिम कार्बोनेट उत्तराखंड, ठीक है, और काजीरंगा, काजीरंगा आपका जो है काजीरंगा, काजीरंगा हमको लग रहा है असम में, काजीरंगा असम में। रणथंबो, 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 रणथंबो आपका राजस्थान में, राजस्थान में। आ गिरी क्या बचा? ग से गिरी, ग से गुजरात, ग से गिरी, ग से गुजरात। तो पहला किसमें गया? सेकंड में। पहला किसमें गया? सेकंड में। और दूसरा किसमें गया? पहले में। दूसरा पहले में। सी वाला किसमें गया? राजस्थान में। और डी वाला किसमें गया भैया? डी का किसमें? गुजरात में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा बी से हो जाएगा। थोड़ा सा मिस कर रहे थे, जा रहे थे गुजरात में, राजस्थान में जा रहे थे, गलत है। जिम कार्बोनेट उत्तराखंड, अगर जिम कार्बोनेट मान लीजिए हम जाते किसमें? राजस्थान में, तो आता है फिर बी का सेकंड करते हैं हम, तो बी का सेकंड कहाँ है? उत्तराखंड में, काजीरंगा, सीधे सीधे बात हो जाती है हमारी। तो यहाँ पे क्या होता है? गलत हो जाता है हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उसे काफ़ी अच्छा था, ये देखिए इसमें बताइए अब क्या से हुआ, पढ़िए क्वेश्चन में हट जाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और थोड़ा सा स्पीड बना के रखिए आप लोग। ठीक है, साफ दिख रहा है क्वेश्चन उसे, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ये तो आप सबको आता है, ये तो सबको आता है। कह रहा है चिड़िया के उस समूह की पहचान कीजिए, चिड़िया के उस समूह की पहचान कीजिए। ये कह रहा है चिड़िया के उस समूह की पहचान कीजिए जो अपनी भोजन संबंधित आदतों के आधार पर एक दूसरे से क्या है? समानता रखते हैं। देखा मोर, मोर क्या है? मोर तो हम कह सकते हैं सांप खाता है, मांसाहारी है, लेकिन तोता क्या है? मांस मछली नहीं खाता, न कबूतर मांस मछली खाता है, नहीं खाता है ना। मोर के बारे में देखा, तोता का ओठ क्या होता है? रेड होता है तोता। कबूतर क्या होता है? गुलाबी। मोर जो क्या क्या आता है? ये जो भैया खंडर में घर बनाता है, कहाँ बनता है? खंडर में घर बनाता है। देखिए चोंच के बारे में देखिए, जिनके चोंच क्या होते हैं? चपटे, चपटे। जिनके चोट चपटे होते हैं वो क्या करते हैं? दाना को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। जैसे चावल हो गया, गेहूं, उनको तोड़ने के काम आते हैं। तो चपटा कौन का? कबूतर का। और जिनके चोंच क्या होते हैं? नुकीले। क्या होते हैं? नुकीले, ना नुकीले होते हैं। और जिनका क्या होता है? नुकीले होते हैं। और ये क्या करता है? ये अपने चोंच से क्या करता है? अमरूद को खुरेदता है, लेकिन जो एक होता है हुक की तरह, क्या होता है? हुक की तरह। जिसके नुकीले होते हैं तोता वो क्या करता है? अमरूद को खुरेदता है। और जिसका हुक की तरह होता है, ये चील, बाज, गिद्ध या मांस, वो क्या करते हैं? खींचते हैं, मतलब फाड़ते हैं, फाड़ने के नुकीला होता है। तोता, कौवा, उल्लू, ठीक है, ये मांसाहारी है, जबकि ये भी मांसाहारी, लेकिन ये मांसाहारी नहीं है। उल्लू भी मांसाहारी, बाज मांसाहारी, चील भी मांसाहारी। तो कौन से हो जाएगा मेरा यहाँ पे? सी, कटफोड़वा। कटफोड़वा के बारे में सुनिए, कटफोड़वा क्या करता है कि तने में छेद कर
उसमें से कीड़ा खाता है ना कि उसमें घर बनाता है। कठफोड़वा क्या करता है, उसमें छेद कर कीड़े खाता है ना कि उसमें घर बनाता है। कोयल, कोयल बहुत चलाकी से कौवे के घोंसले में जाके अंडा दे देती है और अपना घोंसला बनाती बनाती नहीं है। और गिद्ध क्या करता है, गिद्ध जो है चील गिद्धबाज अपने इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाते हैं, जबकि कौवा वो इलाके में नहीं, वो किसी भी पेड़ के ऊंची डाली पर क्या करता है अपना क्या घोंसला बना लेता है। लेकिन जो चील गिद्ध हैं बाज हैं ये सब किस अपने एरिया के सबसे ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाते हैं। यहीं पर नर बीवर होता है, नर बीवर क्या करता है भैया, नर बीवर क्या है, नर बीवर घोंसला बनाता है, लेकिन मादा बीवर चलाकी से जा क्या करती है उस घोंसले में अंडा दे देती है। दार्जिल चिड़िया, दार्जिल चिड़िया क्या करती है, दर्जी, द से दर्जी, तो दार्जिल चिड़िया क्या करती है कि पत्तों को छील के अपना घर बनाती है। इन सब घर से भी क्वेश्चन आपका आएगा, दिमाग में बैठा करके पूरा हमें कई जगह बता देंगे आपको। अब आइए आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने एकदम बढ़िया वाला हमको लगता है आ गया शिक्षण, अब आपका मजा आएगा। देखा भैया कूट का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कहते हैं क्या, मजेदार क्वेश्चन, खेजड़ी के वृक्ष, ठीक है ना, दिख रहा है खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको क्वेश्चन है। आप थोड़ा पढ़िए, मैं इसमें बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको पढ़िए कुछ देर तक, देखिए इसमें क्या लिखा गया है, पहले पढ़िए खेजड़ी का वृक्ष, खेजड़ी के वृक्ष में आपका क्या आंसर होने वाला है। सर में खुजली होने लगती है यार, चलें देखिए खेजड़ी का वृक्ष, देखिए वृक्ष के बारे में बात कर लेता हूँ, थोड़ा वृक्ष के बारे में बात कर लेता हूँ। बरगद की जो शाखाएं होती है तना काम करती है, स्तंभ का काम करती है, बरगद की बात आई तो देखिए ये करा खेजड़ी, खेजड़ी की जो वृक्ष है इसके फल की सब्जी भी बनाते हैं, इसके फल के हम क्या करते हैं सब्जियां भी बनाते हैं। तो कह रहा है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, इसे बढ़ाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, बात सही है, इसको बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं, तो ऐसे ही रेगिस्तान में है। ये कह रहा है इसकी छाल की दवाई बनाने काम आती है और इसकी लकड़ी में क्या कीड़े, ये तो बिल्कुल सही, सी देखा कौन में सही है, सी सी सी, तो ये देखा है ओमेसी 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 एक काट दिया, पहले ऑप्शन क्या करिए हटा दीजिए। अब क्या कह रहा है इसके तने में पानी एकत्रित होता है, ये जो में पानी होता है एकत्रित जिसके तने में, उसको रेगिस्तानी ओक कहते हैं, क्या कहते हैं रेगिस्तानी ओक, इसको क्या कहते हैं रेगिस्तानी ओक कहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके तने देखिए अरे काट रहा है क्या, इसको भगाइए भगाइए, फंसा दिया फंसा दिया, गिरा देगा लाइट वाइट गिरा देगा, गेट खुला भाई छोटे छोटे गांव में है ना, अरे रहने दीजिए रहने दीजिए, इसको भगाइए बस। देखिए रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, बताया इसका जो है इसकी जड़ें 30 फीट नीचे अंदर जाती हैं और ऊपर क्या होता है केवल 10 फीट होता है, ठीक है, और इसके तने में पानी इकट्ठा होता है, जब चाहो तब क्या है इसमें पाइप डाल के लोग वहाँ के लोग क्या होते हैं इसमें पानी पी लेते हैं, पाइप छेद करके पाइप डाल के क्या पानी यहाँ से निकाल के पी सकते हैं। और कभी कभी आपको आता है एक फ्लोर एक मंजिल के बराबर, तो एक मंजिल 10 फीट के बराबर होती है ना, तो क्या है मतलब एक मंजिल के बराबर क्या होती है इसकी हाइट होती है इस पेड़ की, ये 30 फीट नीचे इसलिए जाती है पानी के तलाश में, ये पानी की तलाश में 30 फीट नीचे जाती है, कौन रेगिस्तानी ओक, ठीक है रेगिस्तानी ओक। अब तो ये इसमें नहीं होगा, ये इसमें नहीं होगा, तो डी कोने में है, तो डी इसमें है और डी इसमें है, तो दोनों कहानी का हो गई खत्म। आप क्या बता बचा, यह वृक्ष छायादार नहीं होता है। अब बचा आपका ए बी सी, तो ए ठीक है ना रेगिस्तान मुक्त क्षेत्र में पाया जाता है, तो ए बी सी आपका सही हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। हम डी से काट दिए भाई, डी से डी से डी से डी से काट दिए और इसमें सी नहीं था इसलिए इसको काट दिए, तो ए बी सी हमारा सही होता है, पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा ये सही हो जाएगा। ये भैया क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर देख लिए, क्वेश्चन नंबर 65 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 थोड़ा स्पीड आपको ज़्यादा लगता होगा मेरे वीडियो में, तो आप लोग क्या किया करिए ना कि थोड़ा सा स्पीड कम कर लिया करिए, दिक्कत है कि ये चल रहा था ना कि रात में मतलब ठंडा लगता है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है। 55 था ना भाई साहब, कितना था 55 ना, तो 56 चाहिए, 56 57 58 चाहिए ना, तो 56 57 58 ये तो आ गया क्या, 56 57 तो गायब है, अच्छा यही था ना, अच्छा इसमें नहीं तो 65 है ना, अगले में देखना था 8 में ना, PDF 8 में देखते हैं, आधा तो ऐसे ही काम हो जा रहा है, 9 10 ठीक है इसमें होगा। चलिए भाई 66
ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, ये अच्छा क्वेश्चन है सर आपका, इसमें आप काम आप कर जाएंगे। क्या है 66 है क्वेश्चन नंबर 66, मैं इसको सॉल्व करूँ, आप लोग भी क्या करिए इसको सॉल्व करिए, मैं करता हूँ। इसने कहा कि किसी एडवोकेट का घर एक्स पे, हमने माना भाई मेरा घर क्या है यहाँ पे, मेरा घर कहाँ पे है, मेरा घर कहाँ पे है एक्स पे, और मुझे क्या है पर है, और कोर्ट क्या है वाई पे, हमको वाई पे जाना है पर स्थित है। ये जो वकील के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, तो एडवोकेट पहले कहाँ जाता है, पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में, एक्स के ठीक पूर्व में कहाँ ए पे जाता है। आप एक चीज़ और जानिए भाई साहब, ये होता है हमारा उत्तर, ये क्या होता है हमारा दक्षिण, ये क्या होता है हमारा पूरब, और ये क्या होता है हमारा पश्चिम। इसके बीच में कहेंगे तो उत्तर और पूरब, और इसके बीच में कहेंगे तो दक्षिण और पूरब, इसके बीच में कहेंगे तो दक्षिण और पश्चिम, ठीक है ना, सही लिख रहे हैं कि नहीं, और इसके बीच में कहेंगे तो क्या कहेंगे उत्तर और पश्चिम, ये चीज़ आप याद रखिए डायरेक्शन का। तो उसने कहा कि ए मतलब पहले एक से कहाँ जाता है, ए पर जाता है जो ठीक पूर्व में 100 मीटर पे, तो ठीक पूर्व में कितना है 100 मीटर पे, हमने कर दिया 100 मीटर, यहाँ तक बात खत्म हो गई। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए से ठीक दक्षिण में, ए से ठीक दक्षिण में है, कहाँ जाता है वो, ए से ठीक दक्षिण में जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे, ए से ठीक दक्षिण में जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे, और कितना जा रहा है 500 मीटर, तो क्या लिख दिया हमने 500 मीटर, ठीक है। अब कहाँ पहुँच गए हम, बी पे पहुँच गए, यहाँ से क्या पहुँच गए हम बी पे पहुँच गए। अब कह रहा है कि फिर वह सी पर जाते हैं, कहाँ जाते हैं सी पर जाते हैं जो बी से ठीक पश्चिम है, तो यहाँ से पश्चिम किधर जाएगा, यहाँ कितना आते हैं भैया 50 मीटर, कहाँ आते हैं 50 मीटर, 50 मीटर कहाँ आ गए भैया पश्चिम आ गया, मीटर आत की दूरी पर है, और अंत में वह वाई पर कोर्ट पहुँच जाता है, मतलब वाई पे यहाँ कोर्ट क्या हुआ पहुँच जाते हैं जो सी से ठीक उत्तर 60 मीटर है, जो सी से, अरे बाप एक बार और जा रहा क्या, जो सी से वह वाई पर कोर्ट पहुंच जाते हैं सी के ठीक उत्तर में, तो सी के उत्तर में तो कहीं ना कहीं सी है ना, ये सी के उत्तर में, सी के उत्तर में 60 मीटर की दूरी, तो सी से उत्तर जाएंगे तो कहीं ऊपर जाएंगे ना, कितना दूरी में सी से ऊपर जा रहे हैं, तो 60 मीटर की दूरी पर कोर्ट स्थित है, तो बताओ कि कोर्ट के सापेक्ष, कोर्ट के सापेक्ष की दूरी क्या है, तो कोर्ट के सापेक्ष अगर देखेंगे तो हम कहोगे कहाँ कोर्ट पे पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए भाई साहब कोर्ट पे मैं पहुँच गया ना, अगर मैं कोर्ट पे पहुँच गया यहाँ पे तो देखेंगे तो यहाँ से देखो ऐसे ऐसे अगर इसको बांट देंगे तो कहीं ना कहीं कहाँ मिल रहा है उत्तर और पश्चिम, कहाँ जा रहे हैं हम उत्तर और पश्चिम में जा रहे हैं, तो मेरा क्या सही हो जाएगा उत्तर और पश्चिम क्या सही हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं ना, ये देखिए ये हो गया उत्तर और ये क्या हो गया पश्चिम, तो इसके बीच में क्या है उत्तर और पश्चिम पे हम जा रहे हैं यहाँ पे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसमें और भी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, इसमें कभी कभी डिस्टेंस भी पूछ लेता है, तो डिस्टेंस भी आपको बताना पड़ता है। अगला भैया बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन कौन राज, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आपको कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपसे, यहाँ पे कई तरह से क्वेश्चन बनता है, कभी बंगाल की खाड़ी पूछेगा, कभी अरब सागर पूछेगा। मैं जो मैं नोट्स लिखवाया था, मैंने बताया किस किस चीज़ को याद करना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने बंगाल की खाड़ी लिखवाया, हमने अरब सागर लिखवाया, और मैंने क्या लिखवाया पूर्वी घाट और कौन सा पश्चिमी घाट, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आप याद के लिए, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, चार में से एक पूछी 100% पूछेगा, और वहाँ से आपको क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जब ये मैप पढ़ेंगे यहाँ से तो इधर वाला बंगाल की खाड़ी ये पूर्वी और ये क्या पश्चिमी घाट, इसी को हम क्या कहेंगे अरब, और ये क्या कहेंगे बंगाली खाड़ी, तो इसी से आपसे पूछता है, तो दोनों क्वेश्चन एक ही हैं लेकिन बस पूछने के तरीके क्या हैं अलग अलग हैं। चलिए तो बंगाल की खाड़ी पूछ रहा है, तो बंगाली खाड़ी बताइए कौन कौन आपका सही हो जाएगा बंगाली खाड़ी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा सर हमारा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है, तो बताइए बंगाल की खाड़ी की तरफ किधर क्या क्या पड़ता है। अब बंगाली खाड़ी की बात करेंगे तो देखते हैं बंगाली खाड़ी अब क्या सही हो रहा है। बंगाल की खाड़ी देखिए भाई, बंगाली खाड़ी की बात करेंगे, देखिए उड़ीसा पड़ता है उधर ही, उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु उसी साइड है, अगर हम ऐसे बात करें तो यहीं पे क्या है मेरा
यहीं पे आंध्र प्रदेश है, नीचे तमिलनाडु है, और क्या इधर, इधर आपका उड़ीसा है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल किधर आ जाएगा, इस तरफ, जबकि कर्नाटक आप कहाँ है, कर्नाटक आपका यहाँ पड़ जाता है गोवा के जस्ट नीचे, तो इसलिए ये कट जाएगा। ये कह रहा है गुजरात, गुजरात भी आपका यहाँ ऊपर पड़ जाता है, फिर इसके बाद क्या होता है राजस्थान होता है, तो यहाँ से ये कट गया। और उड़ीसा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जाइए, गुजरात में इसलिए क्या हुआ, ये कट गया। अब कौन सा, ये पहला आपका सही है, ठीक है ना, क्या है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश लंबा वाला है भैया। जब आंध्र प्रदेश की बात आएगी तो आपको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना पोचमपली साड़ी, अगर तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों एक साथ दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। ला भैया फिर से कहने की, मच्छर साहब मैंने आपको बताया था क्या क्या रोग होता है, अभी मैंने ऊपर बताया म से मच्छर, तो म से मलेरिया ना हो भैया, म से मलेरिया, ठीक है, म से मच्छर, म से मलेरिया। मलेरिया कब हुई, जब का काटी चमड़ा पे, तो का हुई चिकन बुनिया, आई रोग बड़ा डेंजरस, तो का हो जाए डेंगू, ठीक है। तो द्वारा कौन कौन से रोग हैं, तो आपको क्या दिख रहा है, डेंगू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मलेरिया दिख रहा है, डेंगू और मलेरिया, तो बी और डी, बी और डी किसमें, इसमें सही लगा रहे सब ना, यहाँ थोड़ा पास से चमकने लगता है, बी और डी, ठीक है, बी और डी, डेंगू और मलेरिया, खसरा उसरा निमोनिया में यहाँ से नहीं होता है। किधर गया हटाने वाला भाई साहब, क्वेश्चन नंबर भैया आज ये 69 ये कूट वाला क्वेश्चन, मैं थोड़ा आपको रिलैक्स टाइम दे रहा हूँ, जब शिक्षण आएगा मैं आपको टाइम दूंगा, क्योंकि शिक्षण में क्वेश्चन थोड़े से समझने के लिए चाहिए टाइम आपको। ये डी छिप रहा है क्या, डी छिप रहा है आप सही है, ठीक है, डी छिप रहा है, ये थोड़ा देखते रहिए डी छिप रहा है कि नहीं छिप रहा है। चले आप तक तो ढूंढ लिए होंगे, अब तक आप ढूंढ लिए होंगे, इसने क्या कहा कि प्राथमिक, क्या कहा भाई साहब, इसने कहा प्राथमिक, प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है। कल आकलन के बारे में मैंने बहुत विधिवत तरीके समझाया था 15-20 मिनट उस वीडियो में, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो कह रहा है निर्माणात्मक, ये कह रहा है शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देना, शिक्षण में कमियों को पहचानने में, अच्छा शिक्षक के, अच्छा प्राथमिक स्तर पर, और ये कह रहा है कि मानसिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, कह रहा है कि विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में उपयुक्त कौशल कौन सा सही है, आपको निर्माणात्मक अधिगम बताना है। मतलब आपको अधिगम के लिए आपको क्या करना है, अधिगम के लिए सीखने के लिए क्या करना है, आपको निर्माण उत्पन्न करना है, कि मतलब आपको बताना है कि निर्माण कैसे होगा। तो निर्माण के लिए क्या करेंगे आप, निर्माण के लिए भैया आप अगर आएंगे तो मैं तो कहूँगा ई की ये कह रहा है शिक्षण में कमियों का पहचान करना सही है, ठीक है, पहचान करेंगे तभी क्या करेंगे उसका निर्माण करेंगे। मानसिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, मतलब बच्चे के मानसिक क्षमता कैसे है, मानसिक स्तर कैसे है, ये मेरा आप सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करना, मतलब बच्चा का जो अधिगम हो रहा है, जो सीख रहा है, उसका टाइम पीरियड क्या है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, तो मेरे हिसाब से ये भी सही लग रहा है। तो ए बी सी डी देखा जाए तो कहाँ पे आपका, इसमें मैं इसको इसलिए काट रहा हूँ कि शिक्षकों को उनके शिक्षण प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देना। हम कहते हैं मास्टर कितनों बढ़िया रहा कहाँ से, ठीक है ना, बच्चे के लिए हम तैयार कर रहे हैं ना, तो कह रहा कि अगर टीचर प्रतिपुष्टि देगा तो टीचर का मूल्यांकन होगा ना, तो हमें किसका मूल्यांकन करना है, बच्चे का, तो बच्चे के रिस्पेक्ट में सारी बातें होंगी, शिक्षण में कमी आएंगी तो मतलब टीचर अच्छा नहीं है। ये कह रहा रिपोर्ट कार्ड तैयार करना किसका, मानसिक का, मतलब बच्चे का मानसिक क्षमता कैसा है, वो कैसा काम करे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था आपका, समय कम आ गया है। ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है, बताओ भैया, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए ईवीएस कक्षा में कौन कौन सी गतिविधियां हैं, कौन किस पे आप जाएंगे, आपको जाना होगा तो आप किस पे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये आपका 9 जनवरी 2023 में पूछा गया, दिख तो रहा है ना सर, यहाँ से दिख तो रहा है मेरे हिसाब से, देखिए चित्र पढ़ाना यो सही है, फील्ड भ्रमण यो सही है, श्यामपट का उपयोग करना यो सही है, उपयुक्त में सभी यहाँ पे हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं थी। 70 के बाद आप आते हैं कितने पे, क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं हो रहा है, ठीक तो दिख रहा है, अच्छा है ये एकदम साइज का आ रहा है भाई साहब। पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है,
विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान अध्ययन से पूरी जानकारी, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा में पूरी जानकारी, यह कह रहे विज्ञान पर्यावरण शिक्षा में पूरी जानकारी, यह कह रहे विज्ञान सामाजिककरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा में पूरी जानकारी। आपको पता है एकीकृत उपागम चल रहा है प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति के अनुसार नहीं, यशपाल समिति जो NCF 2005 लाए उन्होंने कहा भी है कि आप एकीकृत उपागम क्या है पर्यावरण की अवधारणा जो ना किससे पर्यावरण की अवधारणा से जोड़ना किससे अवधारणा से जोड़ना है और पर्यावरण की अवधारणा ये कहती है कि जो पहले इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र नैतिक शिक्षा अलग अलग थी उन सबको एक में पढ़ाना है किसमें EGS में। तो देखा है इनका लिखल है पर्यावरण भी है विज्ञान भी है सामाजिक विज्ञान, तो कैसे हो जाएगा हमारे यहाँ पे डी से हो जाएगा। सभी विषयों को समाहित करके केवल एक किताब कहाँ तीन से पाँच तक केवल एक सब्जेक्ट चलेगी क्या EGS और EGS में सारा कुछ निहित रहेगा आपका सारा कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका भाई साहब ये है आप बताइए ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपसे क्या पूछा कि जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो खींची उसमें कौन था। ये गल नहीं वहाँ भैया तो एक मिनट का इतना सेकंड नहीं 1:07 वहाँ पे थी ठीक है ना। और वहाँ पर क्या है दो लोग एक साथ गई थी लेकिन पहले ये चढ़ी थी जिनका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पे नेपाल में कहाँ पड़ता है नेपाल में पड़ता है कौन सा माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है नेपाल में। यहाँ पे सागर माथा के नाम से यहाँ जाना जाता है उसको ठीक है और हम लोग क्या करते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये अब यहाँ पे बात है कर्णम मल्लेश्वरी से नहीं बोला था कर्णम मल्लेश्वरी पूरा बलवान तो कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर थी कौन थी वेट लिफ्टर थी। इन्होंने 29 मेडल प्राप्त किया कितना 29 मेडल इनको मिला था कौन कर्णम मल्लेश्वरी को। और ये जो पर्वतरोही थी ये भारत की प्रथम है लेकिन विश्व में पाँचवीं है कि तीसरी या विश्व में पाँचवीं है और यहाँ पे क्या है हमारी में पहली है जो यहाँ पे महिला चढ़े कहाँ माउंट एवरेस्ट पर। ये वेट लिफ्टर है 29 तो इन्होंने क्या पाया मेडल। इनकी तीन बहन और क्या है अभी कार्य कर रही मतलब क्या वेट लिफ्टिंग काम कर रही हैं चार बहनें थी तीन अभी लगातार लगी हुई हैं ये 29 तो मेडल पाई हैं। और ये क्या है ये लगभग 1 क्विंटल 30 किलो ना एक क्विंटल 30 किलो लगभग याद नहीं आ रहा शायद इतना का ये वेट उठाई थी वहाँ पे। सुनीता विलियम ये अंतरिक्ष में कहाँ भैया ये अंतरिक्ष में गई हैं और कहाँ इनका बाल उड़ा था कैसे एकदम जैसे लगा था क्या बिना कंघी के बाल उड़ रहा है वहाँ पे 6 महीना थी कहाँ थी 6 महीना ये अंतरिक्ष में थी लगभग पृथ्वी से 300 किलोमीटर ऊपर ये अंतरिक्ष में 6 महीना बिताए थे। ये अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला रही हैं सुनीता विलियम्स। सूर्यमणि चमकता सितारा ये शिक्षा से रिलेटेड है एक इससे शिक्षा से रिलेटेड है और आपको जो पूछ रहा हो क्या है बछेंद्री पाल। एक होता है 36 परेड उन्होंने का नाम याद कर लिया 36 परेड कौन थी वहीदा प्रिज्म ये याद रखिया 36 परेड करने वाली कौन थी वहीदा प्रिज्म। ये बनल चाहता नहीं का जहाज का लेकिन बन का गई नहीं पानी वाले जहाज के बन गई नहीं ठीक है वहाँ पे 36 परेड होता है। और ये क्या है वहाँ पे सारा काम करती हैं मतलब डॉक्टर का भी काम उसमें कर लेती हैं और सेना को पूरा कमान यही संभालती हैं कौन वहीदा प्रिज्म। तो भैया 1, 2, 3, 4, 5 हम लोग याद रखिए कल्पना चावला और राकेश शर्मा इन लोग के दिमाग में बैठोल रही है क्या पता है आज पूछ दे नील आश्राम होला उन लोगों को याद लगे चाँद पर जाने वाले पहले तो शायद अगर भाग जाए तो भाग जाए अल्लाह भैया तुम लोगों का अगल किताब क्वेश्चन थोड़ा सा कूट वाला लिए खूब ताकि आपका दिमाग बढ़िया से खुल जाए कोट वाले क्वेश्चन ही आपके दिमाग को थोड़ा क्या है शोभित किताब में एक चित्र देखता है ठीक है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है वह अपने अध्यापिका से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल सकते हैं और लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकती कहीं ना कहीं कहा था लिंग पूर्वाग्रह का उदाहरण ला रहा है ठीक है ना। लिंग पूर्वाग्रह कल मैं बहुत अच्छी तरह बताया था क्या है लिंग पूर्वाग्रह की जब बात आए तो क्या लिखा था रूढ़िवादी लिखा ला या क्या लिखा ला पूर्वाग्रह लिखाओ या क्या लिखाओ पक्षपात क्या लिखाओ पक्षपात। तो यही सब ऑप्शन आपके से होंगे अगर कहीं लिखा है क्या लिंग पूर्वाग्रह से। तो देखा
ये कह रहा है कि उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना, अच्छा व्यापक सांस्कृतिक नजरिए एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना, एक ऐसा सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता का विकसित होना। एकदम अच्छा से सोचिए भैया पढ़ पढ़ के, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, महावन लगत है, लगत हवा लिंग पूर्वाग्रह तब थर्दे सब मार दे, लेकिन इसमें कुछ हवा नहीं लग रहा आपको। ये क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 73। एक बार और पढ़िए बढ़िया से इसको, क्या पढ़िए एक बार और आप इसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 73 है। तो 73 में क्या होगा, 73 में आपका, चलिए हम बता रहे हैं आपको, हम ये कह रहे हैं कि आपका ये कह रहा है कि उच्च स्तरीय आलोचनात्मक, हम कहीं आलोचनात्मक समालोचनात्मक रचनात्मक कहीं आए, वो क्या होगा, सब सही होगा। ये कह रहा है व्यापक सांस्कृतिक नजरिया हम सौंदर्य के प्रति संवेदनशील बनाता है, ये बात गलत है, ये नजरिया सही नहीं भैया, ये नजरिया नहीं समाज ने लिंग पूर्वाग्रह को बनाया है। अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित, मतलब देख के अवलोकन मतलब देख के, चित्रण के आधार पर समझ विकसित, जानने की कोशिश कर रहा लड़का कि आखिर ऐसा ये क्यों हो रहा है, क्यों लड़के केवल क्रिकेट खेल रहे हैं और लड़कियां क्या गोटी खेल रही हैं। तो कह रहा है कि सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु, मतलब समाज में ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं तो इसको जानने की इच्छा जता रहा है, इसलिए क्या शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को, तब क्या कर रहा है वो टीचर से पूछ रहा है कि कैसे काम होगा, तो ये भी क्या है सही है। तो जहां आपका दिखे क्या ACD, तो ACD हमारा डी में है, तो हमारा ACD क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन निकल ऐसा ना हो जो दिमाग में ना चढ़िए, याद रखें। तो अगर लिंग पूर्वाग्रह से देखा है तो सबसे टफ क्वेश्चन ये रहा होगा लिंग पूर्वाग्रह से, अरे तो कूट के इतनी भर ले, नहीं कूट कूट के भर ले एकदम, ये टेस्ट का उस दिन आप टेस्ट नहीं दिए ना, उस दिन आ रहा है कि नहीं, पूरा आ रहा होगा, आ रहा है ना, लाइट आ रही है, चमक रहा है क्या, थोड़ा सा है पकड़ में आ जा रहा है क्वेश्चन, लाइटिंग ज़्यादा हुई क्या, अब छोड़िए जाने दीजिए, लेकिन तो ज़्यादा आ रहा है क्या, अखिया माना भी चौनी आ जाती है। ठीक है पढ़ लिए भैया आप इसको, आप पढ़ लिए होंगे 74 में, हम देखते हैं क्या सही है मेरा 74 में, हमारा क्या सही है, क्या सही है। ये कह रहा है कि रीनी कोई लड़की है, कहाँ गया, कोई लड़की है, ठीक है ना, कोई लड़की अध्यापक से पूछी पौधे के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं, अध्यापक को क्या करना चाहिए, लड़का दिमाग लगा दल, ये चौकोर क्यों नहीं हो रहा है, ये गोल ही क्यों है, तो लड़की को आप कैसे आप उसको हैंडल करेंगे, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे भैया कि अध्यापक को विद्यार्थी से कहना चाहिए कि वह इस बारे में उच्च कक्षा में सीखेंगे, मतलब तो कभी ना बताइए भाई, जब पहुंच जाए 10 में 12 तब तो पता चले तो कि कहाँ है वो गोल होला, कहाँ है चक्कर होला, इसके बारे में आप नहीं बताएंगे, ऐसा थोड़ी भाई, अध्यापक को विद्यार्थी को समझना चाहिए, अध्यापक को विद्यार्थी को समझाना चाहिए कि गोल तने का कारण गुरुत्वाकर्षण है। अच्छा ये बताओ 1, 2, 3 के लिए गुरुत्वाकर्षण का जाने, हम कहें 3, 4, 5 का गुरुत्वाकर्षण क्या जाने, गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे सही नहीं होगा, हम कह रहे उसको कैसे पता गुरुत्वाकर्षण जाने क्या, गुरुत्वाकर्षण डिफिनेशन बताने लगेंगे आप वहाँ पे, तो डिफिनेशन क्या समझेगा, नहीं समझेगा। अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना, हाँ कि तू सोचा ही कहा इसे गोल होना, अब लड़का खूब अपना दिमाग लगाएगा, तो लड़के को क्या मिल गई, आज़ादी मिल गई सोचने की, तो लड़का अपना अलग अलग तर्क देगा कि हाँ इस कारण बस शायद क्या है, तो कहने की क्या है रचनात्मक सृजनात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चे के अंदर पैदा करना चाह रहा है कि तू खुद से खोजिए, सक्रिय होकर गतिविधि के आधार से क्या करना सीखना। अब लड़का पौधा लगा के देखेगा कि ये कैसे होते हैं, पानी कब चाहिए, कब पत्ती, ये सब करके सीखेगा। अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने ले जाना चाहिए ताकि विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए, अच्छी बात है, भ्रमण विधि सबसे अच्छी बात है, भ्रमण विधि, तो यहाँ क्या सही हो जाएगा C और D, भ्रमण विधि पे ले जाइए बच्चों को दिखाइए, बच्चा खुद अपने से देख देख के अवलोकन करेगा और उसको देखेगा समझेगा, तब क्या है उसको ज्ञान हो जाएगा, फिर उसके बारे में आप बताना चाहेंगे तो वो आसानी से क्या कर सकता है, सीख सकता है। 74 हो गया, 74 कौन सा पीरियड था भाई, 8 था ना, ये था ना 8, 9
इसके बाद एक और बचा होगा ईवीएस में सीसीई का अर्थ क्या है, सीसीई का अर्थ बताइए ईवीएस में क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, बताइए सीसी का अर्थ क्या है ईवीएस में, सीसीई का अर्थ क्या है, आपका 75 है, कितना टाइम हो गया 40 मिनट अभी, अरे ईसी छुप जा रहा है क्या, नहीं नहीं नीचे नहीं इसको फट जाए रीड वाला, ठीक है ये मक्खी कहाँ से आ रही है, चलिए कह रहा है ईसीसी का अर्थ क्या होता है, ये लिया नहीं गया क्या, ईसी का अर्थ क्या होता है, चल कह नहीं रहा यार, ये कह रहा है एवं, ये कह रहा है कि सतत एवं संचयी मूल्यांकन, संचयी मूल्यांकन कहीं देखे हैं नहीं, संचयी मूल्यांकन यहाँ पे भी दे रहा है आप व्यापक मूल्यांकन, अच्छा संचयी मूल्यांकन ये संचयी 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 सारा क्या कर रहा है, कर जा रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, सी सी ई का मतलब होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बच्चे का मूल्यांकन करते हैं सी सी ई, हम पता करना चाहते हैं कि बच्चे की पृष्ठभूमि मतलब बच्चा कहाँ तक सीखा कितना सीखा जो हमने पढ़ाया हुआ है, इसको एक घंटा में निपटा देंगे आज। विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उसमें प्रक्रिया कौशल का विकास होता है, जैसे कि उन्हें जीवन में मदद करेगा, ऐसा विचार निर्भर करता है क्या खोज उपागम अन्वेषण संप्रत्यत उपागम अनुभव, चारों का भैया चारों ऑप्शन ठीक ठाक है लेकिन कौन सबसे ठीक है ये दिमाग लगाना आपको, अन्वेषण करना अच्छी बात है, अन्वेषण का नाम ही क्या है खोज करना, अन्वेषण का नाम क्या है खोज करना, और संप्रत्यात्मक उपागम का मतलब ये होता है कि कॉन्सेप्चुअल अप्रोच मतलब आपको सीखने के लिए कोई ना कोई से हिंट देना चाहिए, ये कुल कोने में आ जाइए आपका सर जी भैया क्या एक्सपीरियंसर मतलब लर्निंग आपका अनुभवनात्मक यहाँ पे क्या हो जाएगा सही, ये करके सारा कुछ क्या रहा है अनुभव ले रहा है अपने जीवन को आगे करने के लिए, कितने लोग आएंगे अन्वेषण में, अन्वेषण में आते हैं लेकिन यहाँ पे क्या है अनुभवनात्मक क्या है सही आपका है। वीडियो पुश करके आप पढ़ लिया करिए क्योंकि थोड़ा सा स्पीड मेरी चली जाती है तो दिक्कत हो जाती है आपको। पौधों के संदर्भ में सही विकल्प का पहचान करिए, पौधे भूक्षरण को रोकते हैं सही बात है, पेड़ पौधा लगे बाद जड़ फैली तब माटी का इधर उधर बहले शुरू की, अगर आपके घर में मिट्टी बह जा रही तो पेड़ पौधा लगा दीजिए मिट्टी आपकी बहेगी होगी नहीं कटेगी उठेगी नहीं, इसीलिए पेड़ जो है रोड के अगल बगल हमेशा पेड़ लगाया जाता है ताकि क्या हो मिट्टी का क्षरण ना हो जिससे रोड खराब ना हो, पूरा मिट्टी को जगड़ के पकड़ के रखेगा क्या पेड़। मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त हैं ठीक है, पशु पौधों को आश्रय प्रदान करता है, उल्टे ही लिखे जल्दबाजी में फंस जाते हैं, पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, ये उर्वरक पौधे जो है पशु को आश्रय देते हैं तो समझ में आवे ही उल्टा लिख दिया है, पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिससे कुछ खाए जा सकते हैं ठीक है, ए बी डी कहीं है या नहीं है, ए बी डी कहीं है या नहीं है, तो आप देखना है कि ए बी डी में कौन दूठ सबसे अच्छा सही है, मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक, हमको लग रहा है कि ए और आपका क्या हो जाएगा, ए और आपका ए ए ए ए ए और डी आपका सही होना कौन सा क्वेश्चन नंबर 77 ना, ए डी आपका क्या होना चाहिए सही होना चाहिए, ए डी मेरे हिसाब से होगा तो ये क्या आ जाएंगे इस पे आ जाएंगे ए और डी, क्योंकि कीटनाशक बोल दिया ना, कीटनाशक की बात होगी, उर्वरक तो ठीक है लेकिन कीटनाशक तो सारी पत्तियां थोड़ी कीटनाशक पैदा करेंगे, अब नीम को पता ही थोड़ी है खेजड़ी का थोड़ी है, पढ़िए इसको पढ़िए भैया आपके सामने ये क्वेश्चन आया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको टाइम दूंगा, शिक्षण क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा मैं आपको टाइम दूंगा कि आप इसको क्या करेंगे इसको आप हल कर सकें, क्योंकि कूट वाले क्वेश्चन है तो आपके दिमाग थोड़े से क्या करेंगे खोल देंगे आपको, पढ़ लिए होंगे अब तो क्वेश्चन, या मैं टाइमर लगा दूं क्या सर, अगर मैं टाइमर लगा दूं तो मजा जाएगा कि नहीं, चलिए आप चलते हैं। ये कह रहा है कि कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर के लगे गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती है, पौधे की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है, पौधों को पहचानने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा देखना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा
दोनों में तुलना करना पड़ेगा कि एकर पतई कैसे नहीं, एकर पतई कैसे नहीं है, इसके पत्ती क्या स्वाद है, इसका तना क्या है, तो कहेंगे क्या करेगा, तुलना करेगा। अनुमान का मतलब होता है कोई चीज़ पकड़ के कोई चीज़ ना, तो अनुमान करना आपका क्या होगा, नहीं। अनुमान का मतलब कोई चीज़ हमको पता नहीं है तो हम आंकते हैं, पता करते हैं क्या हो सकता है। ये तो भैया हम देखते ही एकदम अपने घरों में तो देख रहे ना प्रत्यक्ष रूप से। और ये कह रहे हैं निर्णय, निर्णय की बात नहीं, हमारा कैसे हो जाएगा ए और बी सही हो जाएगा, हमारा कैसे हो जाएगा, यहाँ पे मेरा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा ए सही हो जाएगा। आप आते हैं अगले क्वेश्चन में, मैं इस तरफ खड़ा हो गया हूँ, इस तरफ क्वेश्चन आप सारा है ना, तो इस तरफ आप पूरा देख सकते हैं। लर्निंग ये भी आपका कूट वाला क्वेश्चन है। चलिए पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर आपका 79, इसको पढ़िए। 79 का मतलब आपका क्वेश्चन क्या होगा, 9 होगा, ठीक है ना, हो गया। ये कह रहा है, ये देखिए ये क्या बोल रहा है कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है, सीखना एक सतत प्रक्रिया, बात सही भाई, सीखना क्या है, सतत प्रक्रिया, लगातार हम कुछ ना कुछ क्या है सीखते रहते हैं, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सीखने के लिए क्या चाहिए आपको सबसे ज़्यादा, कह रहा है शिक्षक से बातचीत, पाठ्य पुस्तक, पठन सामग्री, ये कह रहा है सीखने के दौरान हुए अनुभव, ये कह रहा है क्रियाकलापों के दौरान अंतः क्रिया, तो बताइए यहाँ पे क्या से होगा आपके सामने क्या सही होगा। हम कह रहे हैं पाठ्य पुस्तक से सीखना क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा को क्या है बाहरी जीवन जुड़ना है तो पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं होना है, पाठ्य पुस्तक तक नहीं, एनसीएफ कहता है कि आप क्या करना है स्कूली जीवन को बाहरी जीवन जोड़ के सीखाना है, लेकिन ये क्या कर रहा है पाठ्य पुस्तक व पठन सामग्री से ही बात कर रहा है, मतलब और चीज़ों को ले नहीं रहा है। शिक्षक से बात, मास्टर से बतियोले कुल हो जाएगा, मास्टर से बात करने से थोड़ी आप सीख जाएंगे, आप क्या करेंगे भैया क्रियाशील होंगे और सीखने के दौरान हुए अनुभव को आप लेंगे तो क्या हो जाएगा सी और डी से हो जाएगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि झटका लग रहा होगा कि क्या क्या क्वेश्चन आया आज का। अच्छा ए हो गया 79, अब आते हैं इधर 80, अब मैं उस तरफ चलता हूँ, अब मैं क्या चलता हूँ, अब मैं उस तरफ चलता हूँ, उस तरफ से मैं बताऊँगा आपको, अब इस तक पढ़िए आप तब तक क्या करना है आपको, पढ़ाना बड़े पढ़ना करें आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके है, क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, तो 80 पे देखते हैं हम क्या होने वाला है। 80 आपका ये कह रहा है, 80 मैं कह रहा हूँ कि पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आकलन उपकरण सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, तो कह रहा है पेपर पेंसिल, हमें आपको नेगेटिव और पॉजिटिव लिखवाया हूँ, पेपर पेंसिल ड्रिल लिखवाया हम नेगेटिव, तो कोने में ए है काट दा, कोने में ए है दूरदर्शन कटेगा अभ्यास वाला। अब कह रहा है समूह कार, जब समूह में देंगे तो बच्चे क्या करेंगे ज़्यादा सीखेंगे, समूह देंगे बच्चे क्या करेंगे ज़्यादा सीखेंगे। परियोजन कार निष्पादन, निष्पादन मतलब होता है क्या टेस्ट, ये निष्पादन वाला नहीं होगा, हमको लगता है भैया आपका बी और कैसे हो जाना चाहिए डी, बी और डी में कैसे होगा आपका बी होगा, निष्पादन मतलब क्या होता है बी और डी में क्या सही होगा हमारा, इसी हिसाब से बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, अब ज़्यादा बोलने की इच्छा नहीं हो रही भाई साहब, अब ज़्यादा बोलने की इच्छा नहीं हो रही, क्वेश्चन पढ़िए आप देखिए क्या सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 आपको क्या सही होगा, 81 बताइए। निम्नलिखित में से कौन से घटकों का समावेशन पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संरचित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए, संरचित, अब ध्यान दीजिए उसने क्या कहा भाई साहब कि करते समय क्या करते समय संरचित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए, किस पे क्या जाना चाहिए अध्ययन मतलब पर्यावरण पाठ्यक्रम को संरचित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए, किस पे ध्यान देना चाहिए करने का सेंस ये, उदाहरण सहित प्रमुख सामर्थ्यों की व्याख्या करना, ये कह रहा है बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न करना, अज्ञान को बच्चे के जीवन से जोड़ना, पहले ई वाला तो एकदम सही है, सी वाला का एकदम सही, सी कोने कोने में, सी इसमें सी इसमें सी इसमें, इसको काट दीजिए पहले काट सकते हैं। सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नताओं को समावेशन और प्रमुख संप्रत्ययों से संबंधित गतिविधियां एवं समा संसाधन, अब बताइए यहां से क्या सही है आपका, हमने तो क्या किया हमने आपको काट दिया, कौन सा क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए कब पूछा आप जाके देख सकते हैं, ये पूछा है आपका 12 जनवरी 2023 में आपको पूछा है। आप देखते हैं अब ये तो क्या है
बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा संबंधित, मतलब जो उन जानल चाह लेगा उसे संबंधित आपको क्या करना है, प्रश्न पूछना है। अब देखिए बी किस में, तो बी क्या करेंगे, हम इसको काट देते हैं। अब बी के साथ हमारा ए और सी दोनों में, बी और सी दोनों में है, तो बी और सी, बी बी हो गया और सी सी हो गया ना। अब बात आई ए और डी में, तो देखिए ए तो हम पहले ही क्या किए हैं, ए कौन सा है, उदाहरण सहित संप्रतियों की व्याख्या करना, और ये क्या कह रहा है, क्या है, कौन सा है, डी सामाजिक में समावेशन। तो यहाँ आपका क्या से हो जाएगा, ये आपका दिया है बी, यहाँ पे क्या से हो जाएगा, आपका बी से हो जाएगा, अर्थात मतलब डी, ये क्या हो जाएगा, ये व्याख्या। आप जब प्राथमिक बच्चों को, जब बच्चों क्या करेंगे व्याख्या करेंगे, तो लिखा क्या समझ में, व्याख्या नहीं समझ में आएगा भाई आपको, संप्रत्यय के मतलब जो उससे गतिविधि आधारित आपको खुद लिखा है, गतिविधि क्या लिखा है खुद। अभी कितना क्वेश्चन बताया, 81-90 तक होता है ना। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 82 है, पढ़िए भैया जल्दी से, 82 ये दोबारा आ गया क्या, नहीं दोबारा नहीं, क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन ये क्वेश्चन वो वाला नहीं है, क्वेश्चन सेम वैसा है लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है, पढ़िए 82 क्वेश्चन नंबर आपका 82 है। चलिए ये कह रहा है कि अनायास से चींटियों को, कहाँ चला गया भाई, अनायास से चींटियों को, अनाया कोई लड़की है भाई साहब, अनायास ने चींटियों को एक मरे हुए कण खजूरे को ले जाते हुए देखा। इस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ताकतवर होती हैं और छोटी होने पर भी बड़े जानवर को ले जा सकती हैं। यह सामान्यीकरण तक पहुंचने में अनाया द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल में से कौन कौन से शामिल हैं। तो पहले तो चींटी क्या की हुई, पहले चींटी को दिखा होगा, पहले चींटी को क्या किया होगा उसने, देखा होगा, फिर क्या लगाया होगा, अनुमान लगाया होगा, फिर क्या किया होगा, अनुमान लगाया होगा, फिर क्या है, अनुमान लगाने के बाद क्या करेगा, फिर भविष्यवाणी करेगा कि निष्कर्ष निकाली है, फिर क्या की होगी, वो निष्कर्ष निकाली होगी। तो ए पहले देखा, ए कोने कोने में सही है, तो इन दोनों पहले हटा दीजिए, आप जान गए ए बी सी, तो ए बी और क्या है, सी सही है और ये क्या है, ई सही है। तो बाद में निष्कर्ष निकाली कहा कि ऊ का चींटी को उठा के ले जा सकने को, चींटी क्या है, अनुमान लगाई बाद में, तो निष्कर्ष निकाल के उठा के ले जा सकती है। यहाँ पे हमारा सी क्या होगा, कट जाएगा, ये भविष्यवाणी थोड़ी की है कि चींटी हमेशा भविष्यवाणी नहीं की हो, वो अनुमान लगाई है, अनुमान लगाने के बाद निष्कर्ष पहुंची कि चींटियां क्या है उठा के ले जा सकती है, भविष्यवाणी अलग चीज हो जाएगी यहाँ पे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 83, 7 क्वेश्चन ला भैया, बंगाल के खाड़ी फिर से, ये क्वेश्चन दोबारा हो गया क्या, नहीं ऑप्शन अलग अलग है, ऑप्शन अलग है, बंगाल की खाड़ी वो भी था और बंगाल की खाड़ी ये भी, लेकिन ऑप्शन अलग है, ऑप्शन अलग है, उसमें पहला ऑप्शन सही था, उसमें पहला ऑप्शन सही था आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और उड़ीसा, लेकिन यहाँ पहला ऑप्शन ये है, तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा और तमिलनाडु याद है हमको, यही था आंध्र प्रदेश तमिलनाडु उड़ीसा पहले ऑप्शन पे था ये। अरे तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, चलिए ए 83 हो गया, एक पेज आपका और बचा है, उसी में आपकी कहानी क्या हो जाएगी खत्म। 9 के बाद 10 कहाँ है भाई, 10 इसमें शिक्षण होंगे काफी। ये देखिए वह स्थान जहाँ पे चांगपा अगर थोड़ी सी अगर बारे में हम चिल्ला ली ठीक है, चांगपा के बारे में थोड़ा सा हम चिल्ला लेते भाई, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि रोका नहीं जाता खुद को। देखिए यहाँ पे जो है कि बकरी के बाल से पश्मीना साल बनता है, कौन सा, पश्मीना साल, आप समझ में आ गया कहाँ की बात हो रही है, पश्मीना, यहाँ पे क्या है पश्मीना, यहाँ पश्मीना साल बनता है, यहाँ पे क्या है 5000 मीटर ऊपर जाके लोग क्या है अपना टेंट वेंट लगा के रहते हैं, क्या करते हैं टेंट लगा के रहते हैं, उस टेंट को क्या कहते हैं रेबो, उस टेंट को क्या कहते हैं रेबो। और यहाँ लद्दाख, ये कहाँ की बात है, लेह लद्दाख की बात है, कहाँ की बात है लद्दाख, ये लद्दाख की बात है, लद्दाख में जो है फलों को क्या करते हैं सुखवा के रखते हैं, क्या सुखवा के रखते हैं। और यहाँ के घर क्या होते हैं, यहाँ के जो छत है क्या होती है प्लेन, मतलब यहाँ की छत क्या होती है समतल होती है, यहाँ की छत समतल होती हैं
और जो दीवार बनती है पत्थरों की बनी होती है, मिट्टी और चूने की पोतैया की जाती है, और निचले मंजिल में भेड़ बकरी ये सब रहती हैं, और ऊपरे मंजिल में ये रहते हैं, और ऊपरी मंजिल निचली मंजिल में खिड़की उड़की नहीं होती, ऊपरी मंजिल में खिड़की इन सबके पास होती है। और देखिए, और ये जो छत बनता है ये पेड़ के तने से बनता है, किससे बनता है, पेड़ के तने से, मोटे मोटे पेड़ के तने से इनका छत बनाया जाता है, और इनका छत बनाया जाता है, वो भी प्लेन होता है, और फल को सुखवा के रखते हैं 500 मीटर ऊपर। क्या है, चांगपा, चांगपा जनजाति जो क्या होते हैं, भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं, और ये वहाँ पे टेंट लगाते, तो रेबो टेंट में तो अपने रहते हैं, लेकिन लेखा घर बनाते हैं अलग से, जिसमें क्या है, भेड़ बकरियों को बांध के रखा जाता है। और पश्मीना साल कितने दिन में, 250 घंटे में, कितना, 250 घंटे में बनाया जाता है। एक पश्मीना साल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है, कितना, 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। यहाँ पे स्वागत को क्या कहते हैं, झूले झूले, स्वागत को क्या कहते हैं, झूले झूले, अम्मू अम्मा, ठीक है ना, अम्मू अम्मा, बली अम्मा, यहाँ के क्या है, चिटप्पन तो आपका वहाँ हो जाएगा, नीचे वाले एरिया में हो जाएगा चिटप्पन, तो ये यहाँ पे झूले झूले क्या कहते हैं, स्वागत स्वागत कहते हैं। बगलियम कश्मीर, बगलियम कश्मीर का चाय को कहवा कहते हैं, चाय को क्या कहते हैं, बादाम और इलायची से बनाते हैं, चाय को कहवा कहते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अरे लेखा सेड ऐसा जो कोई मतलब मतलब नहीं है। अब बात आ गई बाघ के बारे में, बाघ के बारे में, इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा देखती हैं, 2 पैर 2 आँख तो 4 गुना, शेर बाघ चीता हमसे 6 गुना ज़्यादा शेर देखता है तो 4 पैर 2 आँख मतलब 6 गुना ज़्यादा, ये हमसे 6 गुना ज़्यादा दूर देखते हैं बाघ के बारे में, 6 गुना ज़्यादा। बाघ की मूछ उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार ढूंढने, मतलब शिकार को ढूंढने के लिए उनकी मूछ पता लगाती है अंदाजे में कि हवा किधर से आ रही है। बाघ के कान अलग अलग दिशा में हमेशा हिलते रहते हैं, क्या करने के लिए, आवाज़ सुनने के लिए, ये भी बात सही है। बाघ की दाढ़ 5 किलोमीटर ना भी आए 3 किलोमीटर, कहाँ तक, 3 किलोमीटर सुनाई तक देती है। बाघ अपने क्षेत्र को अनेकों किलोमीटर तक क्या है, पेशाब करके एरिया को बांध कर रखता है, और यह काम कौन कर रहा, कुकुरों कर रहा, यही काम कौन करता है, यही काम कुत्ता भी करता है। बिल्ली के आगे दांत होता है नुकीला, वो मांस फाड़ने के काम आती है। गिलहरी के दांत बढ़ता है लेकिन चूहे के दांत नहीं बढ़ते हैं, इसे गिलहरी हमेशा खुरेदती रहती है। चूहे का दांत नहीं बढ़ता है भैया, चूहे के सूंघने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और उनको दिखाई कम देता है, लेकिन सूंघने और क्या टेस्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है भाई, ए बी डी कोने में, सी में, तो ए बी डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा ए बी डी। लीजिए अब ये देखिए, क्वेश्चन तो ज़्यादा इजी हो गया क्या अभी से। पशु वस्तुओं के श्वेत श्याम रंग में देख, श्वेत मतलब सफेद, श्याम मतलब काला, गजब लिख लिया, इसीलिए क्वेश्चन लिया गया है। श्वेत मतलब यह का सफेद, और क्या, श्याम मतलब काला, कौन से लोग क्या हैं, कौन से वस्तु रात में क्या देखते, सफेद और काला देखते हैं, तो कौन, इधर ले उल्लू, चमगादड़, काटा चूहा, चूहा सांप कुत्ता, बिल्ली गाय, गाय का मतलब है ना, चमगादड़ सांप, सांप से क्या मतलब है, नहीं ये क्या कुत्ता से मतलब नहीं, ये काटा चूहा एक तो पता नहीं कौन जी वाला है, ये वाला चमगादड़ उल्लू और का काटा चूहा, ये क्वेश्चन कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर काटा चूहा, इसीलिए लिए 86 है ना, 86 का ए सही है, सही है 86, काटा चूहा अलग है, ये भैया जानबूझ के आप क्वेश्चन ऐसा लिया गया ताकि आपको दिमाग में बैठा रहे चीज, काटा चूहा ला भैया, ट्रेन वाली सवाल आ गया, अहमदाबाद से चल दिला ट्रेन, अब देखा कहाँ तक पहुँची, इतना किलोमीटर की दूरी तय के लिए बा, ये क्वेश्चन को लगाना है, आप लोग इसको लगा लीजिए कि मैं लगा दूँ, लगा ही देता हूँ, नहीं तो कहेंगे आधा अधूरा सवाल करवाते हैं। ला चला भैया थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेती, बोलने की इच्छा तो नहीं हो रही फिर भी कर दे रहे हैं। ये कह रहा है कोई लड़का अहमदाबाद, कैसे हट जा रहा है भाई, सही दिख रहा है सर, ये सही दिख रहा है कि नहीं, औसत चाल बतानी यहाँ पे। कह रहा है कोई लड़का अहमदाबाद से मतलब कहीं जा था टावा कहीं जा, 7 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ, ट्रेन अहमदाबाद से 21:45 जब ऐसा क्वेश्चन आए मेरे दोस्त, आप एक काम करिएगा, शुरू में आप 24 में से घटा दीजिएगा, फिर इसके बाद जोड़ते जोड़ते चले जाएगा, एक ही बार में आंसर आ जाएगा, एक ट्रिक रामबाण, पहले घटा देना किस में 24 घंटे में, फिर इसके बाद कुछ भी आए नीचे, सबको क्या करिए जोड़ते चले जाइए, तो हम वो पहले कहा कि नहीं भैया 24 घंटा पहले कहा कि नहीं हमें घटा देनी, जब घटाए तो 15 मिनट, यहाँ ये 5 5 10 4 1 5 1 6, यहाँ 23 हो गए, 23 में तो 21 1 22
22 नौ एक घंटा ना हो 21 बाद 22 एक 23 दो घंटा 15 मिनट हो जाएगा ठीक है। 21 बाद 22 23 एक घंटा उधर दे दिया था एक घंटा ये जब इसमें देगा तो आप घटाएंगे तो सीधे कहाँ चला था इसमें 60 और यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ बच जाता है 23 आप पढ़े होंगे उधर चला गया तो हो जाएगा 60 इधर क्या बच गया 23 और 23 में से 21 गया क्या बच गया 2 और 60 में से 45 गया क्या हो गया 15। अब कौन सी तारीख गल भैया 7 तारीख के अब बजे चली और 9 सितंबर 7 के बाद 2 एल के बाद कहा बोला 8 तो 8 मतलब 24 आवर्स ना एक दिन फिर इसके बाद 8 को गया अब 9 को पहुंचा 9 कितने पहुंचा 9:15 पे 9:15 पहुंचा तो 15:30 आ 9:04:13 के बाद 14:15 तो हो जाए कितना 35 घंटा 30 मिनट हो गया। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन 255 किलोमीटर चली 255 किलोमीटर तो 255 में क्या करवा 35 सही इसे भाग दे देवा ठीक है ना तो जगह तो नहीं बची है देखते हैं हम क्या कर रहे हैं 255 255 में क्या करना है 35 का अगर देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि आप 35 सही 1/2 क्या लिख सकते हैं 35 से 1/2 तो 35 दुना 70 एक 71 तो क्या लिखेंगे 71/2 35 दुना के 70 71/2 तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो कट रहा है क्या इससे 35 गुना 70 71/2 कट रहा है क्या किसी से 7 1 8 कटेगा किसी से 5 दुना के 10 को 0 कैलकुलेशन करवाएगा लगता है 5 दुना 10 को 0 5 दुना 10 1 11 आज क्या है 2 1 2 अब भाग देना किसने से 71 हाँ 5 दुना के 10 या 2 दुना के 4 सही बोल रहे हैं गड़बड़ हो जा रहा है 5 दुना 10 5 दुना 10 11 2 दुना के 4 41 कोने से 71 से हम भाग देंगे क्या देंगे 71 से भाग देंगे तो 7 दुना के 14 7 1 7 4 28 7 5 35 7 6 42 तो 7 5 35 तो मतलब 7 5 35 को लिखेंगे तो 35 मतलब 35 ये कैसे हो रहा है यार 7 5 35 7 5 35 तो हो गया 35 और 5 1 5 सही ना हो आप 355 आ गया देखिए 5 इसमें से काम का करिए हटा दीजिए तो 11 में से 5 गया 6 5 11 10 में से 5 गया 5 और ये क्या बच गया 0 आप लेके चलते हैं तो 7 9 63 ज़्यादा हो जा रहा है 7 9 63 ज़्यादा 7 7 49 7 7 6 42 7 6 42 तो हम लिख सकते हैं 7 6 42 7 7 49 49 भी तो लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 49 तो 49 मतलब हो गया 49 7 7 49 7 1 7 10 में से 7 गया क्या हो गया 3 और एक हासिल हुआ या 15 तो 9 15 हो गया ना तो 9 6 15 63 के बाद आप जाएंगे नहीं तो दशमलव ले लेंगे ठीक है यहाँ 0 हम बढ़ा देंगे दशमलव हम क्या ले लेंगे यहाँ पे तो 630 तो देखिए 8 बार तो लेके जाइए 7 8 56 और 8 बार ले जाएंगे तो 8 1 8 मतलब मिला जुला के हमारा क्या एवरेज में लगभग यही सही हो रहा है सी क्या हो जाएगा हमारा इसी सही हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भैया ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था इसमें दोनों चीज़ पूछ लिया था कहाँ गया भाई यहाँ पे आपका सी से होगा कौन सा है क्वेश्चन नंबर 87 सी का सही है यही खत्म हो गया क्या बस बस नचा दे लेंगे गुरु ला भैया फिर दूसरा क्वेश्चन नहीं सुना नहीं वही क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया दो बार भाई बोनस नंबर आपको मिल जाएगा 89 योग के बारे में बोले का मन करता है ठीक है थोड़ा सा इसमें बोल दे रहे हैं भाई देखिए इच्छा नहीं हो रही लेकिन आ जा रहा है तो फिर थोड़ा सा मजा आ जा रहा है। देखिए अफगानिस्तान अबू धाबी यूक्रेन उज्बेकिस्तान कहाँ का उज्बेकिस्तान से कहा था कौन यात्री कौन अलबरूनी वो ना पूछ ले वही तो पूछा ही है अलबरूनी पूछा है नहीं अलबरूनी नहीं पूछा है अलबरूनी आया था कहाँ से उज्बेकिस्तान से आया था ये तालाबों के बारे में लिखा था राजस्थान में जो घरसीसर नामक राजा थे घरसी नामक राजा उनके नाम पे घरसीसर तालाब बनाया गया जो 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हैं जब एक में पानी भर जाए दूसरे के पानी में चला जाए उसमें 2000 ट्रक वहाँ से क्या निकाला गया कचरा निकाला गया जाने के लिए अलग रास्ते आने के लिए अलग रास्ते पानी को एकत्रित करने के लिए इन्होंने तालाब बनाया था उसी के बारे में अलबरूनी लिखा था उज्बेकिस्तान का आया हुआ था ये यात्री था यहाँ पे उसमें क्या था कि चबूतरे बने थे आने के लिए अलग पानी लेके जाने के लिए अलग थे
अब जो वहां पे रास्ता बन गया, मतलब आसपास इतनी दुकानें बना दी हैं तालाब के आसपास कि अब तालाब दिखता नहीं है सही तरीके से, नहीं तो बहुत सुंदर तालाब लगता था। और देखिए राजस्थान में दड़की माई रानी को पानी के बारे में, दड़की माई भीमा संघ कहाँ पे राजस्थान में, इन सब चीज़ों को आप याद करके रखिएगा। देखिए ये है आपका अबू धाबी, अबू धाबी में क्या है पेट्रोल जो है पानी से ज़्यादा महंगा मिलता है, या दिरहम क्या कहते हैं दिरहम, रुपया क्या कहते हैं दिरहम। यहाँ पे एक प्रकार का पेड़ पाया जाता है, कौन चीज़ का खजूर, कौन चीज़ का खजूर के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पेट्रोल क्या है यहाँ पे सारा तब क्या रहते हैं, यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है, दिरहम याद रखना है अबू धाबी में कौन से खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे पानी बहुत कम होता है, यहाँ बारिश क्या होती है बहुत कम होती है। तो और भी क्वेश्चन बचा है क्या इसके बाद, 89 लास्ट क्वेश्चन ला भैया, लास्ट क्वेश्चन 90 और लास्ट क्वेश्चन अपने आप में हाथी आ गए, क्या गल भैया हाथी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हाथी बार बार पूछता है। हाथी के बारे में कुछ बात कर लेता हूँ, हाथी के बारे में क्या बात करूँ, हाथी के बारे में पहले लिखा गया है 3 माह आगे हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल मतलब 200 किलो, ये बात आपकी क्या है सही है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करती है, वे केवल 2 से 4 घंटे सोती है, बात ठीक है। कोई वयस्क साथी 24 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक झाड़ियाँ नहीं, 24 घंटे में केवल क्या 100 केजी पत्ते खाती, पता ना गुरु 100 केजी खाती। किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवारों के सदस्य ही होते हैं, अब बुजुर्ग हथनी क्या करती है, नर नहीं भैया, नर थोड़ी मादा, फिर आ गई नर नहीं मादा हाथी क्या करती है नेतृत्व करती, तो ए का बी का ए क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्त आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर चीज़ें समझ में आए तो थोड़ा वीडियो को लाइक और एक शेयर और कर दीजिए, कमेंट वमेंट कर दीजिए कि आपका 30 में से कितना सही हुआ है। अगर आपका कमेंट आएगा और आप शेयर करेंगे देखने वाले की जनसंख्या बढ़ेगी, तो ऐसे ही खोज खोज के बढ़िया बढ़िया तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन आपके बीच में हम लेके आएंगे। आप मिलते हैं आपसे क्या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेके आप जाए, धन्यवाद, क्योंकि ठंडा काफ़ी अंधेरा हो गया, घर जाना बहुत दूर।